पर अकीदत मोहब्बत सरकार जीने में सरकार की मोहब्बत है। ये मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और इंतकाल के बाद कब्र में भी यही मोहब्बत काम आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं उस मुसलमान के मरकज में उजाला होगा। जनाब हकीम मोहम्मद जाउद्दीन साहब के वालिद गिरामी मरहूम शहादत हुसैन साहब कब्र में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया कि उनसे मुझे बेहद अकीदत और उनको मुझसे बेहद मोहब्बत। ये मोहब्बत दोनों तरफ से, एक आदिम से मोहब्बत करने वाला कब्र में पहुंचा है, कहने वाले ने कहा है उस मुसलमान के मरकज में उजाला होगा, उस मुसलमान के मरकज में उजाला होगा, इसलिए सरकार का जो चाहने वाला होगा, दिल से सरकार का जो चाहने वाला होगा। और जब है मखमूर निगाहों का असर हो शुरुआत, जब है मखमूर निगाहों का असर हो शुरुआत, जाने किस शान का सरकार का प्याला होगा, जाने किस शान का सरकार का प्याला होगा। और जादरे कहकशां नूर बचा है अब तक, जादरे कहकशां नूर बचा है, कुछ नूर की सरकार ने डाला होगा, अक्स कुछ नूर की सरकार ने डाला होगा। और जो गुलामी मोहम्मद के सबब जेर हुआ, जो गुलामी मोहम्मद के सबब जेर हुआ, आज दीवाने मुस्तफा दुनिया उसको हिमारत की निगाहों से देख रही है, जिल्लत की निगाहों से देख रही है। जो अपडेट दुनिया है, जो एडवांस दुनिया है, गुलामी मुस्तफा को हिफाजत की निगाहों से देख रही है। लेकिन बोला ऐसा करो मुसलमानों, जो गुलामी मोहम्मद के सबब देर हुआ, जो गुलामी मोहम्मद के सबब देर हुआ, देखना एक न एक दिन वही माना होगा, जिसको सरकार की तारीफ नहीं आई पसंद, जिसको सरकार की तारीफ नहीं आई पसंद, जिसको सरकार की तारीफ नहीं आई पसंद, चाहे गोरा हो मगर दिल का तो काला होगा, चाहे गोरा हो मगर दिल का तो काला होगा। और एक मैदान में जब होंगे जमा समय बदल, एक मैदान में मुस्तफा के दीवाने, एक मैदान में मैदाने मशर में, एक मैदान में याशिकाने मुस्तफा खाजा के गुलाम गौसे पाक के दीवाने आला हजरत के चाहने वाले, एक मैदान में जब होंगे जमा समय बदल, अरे मुस्तफा वालों का अंदाज अंदाज निराला होगा। आज भी अंदाज निराला है, दूसरों की महफिल में न नारा लगता है न सुभान अल्लाह कहा जाता है, जैसे चेहरा उनका लटका हुआ है वैसे ही महफिल में भी लटका ही रहता है। यहां अल्हम्दुलिल्लाह जितने सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है, नबी के दीवाने नबी के चाहने वाले, जब अजमेर से हवा चलती है तो सुन्नी के चेहरे पर उस हवा का असर होता है, कभी बगदाद से हवाएं चलती हैं तो सुन्नियों के चेहरे पर उसका असर होता है, और जब मदीने के पावर हाउस से लाइट की जाती है तो चेहरा इतना असर हो जाता है, इस दुनिया के कोने कोने में पहचाना पहचान। मैं शर्म में भी पहचाना,
ये गौस का दीवाना है, ये गौस आजम कौन है? सुभान अल्लाह बोलो मचल के। और कॉन्फ्रेंस और इधर हकीम मोहम्मद सियाउद्दीन साहब, मैंने तो इनका जलवा देखा, सरजमीन पर जा करके देखा। मैं अंदर की बात को नहीं बतला सकता, मैं स्टेज रसूल से विलायत का दावा को नहीं कर सकता, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते जो सुन्नियत का काम मैंने देखा वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिले दाद है। जहां देवबंदियों वहाबियों का गढ़ है, मरकज है, मरकज के बगल में आपका जलवा, देवबंदी भी आता है अदब से घुटने टेक देता है, बदबूदार है लेकिन घुटने टेक देता है, हिम्मत नहीं है कि किसी वली के खिलाफ उसकी जबान खुल जाए। बाबा सियाउद्दीन के सामने हिम्मत नहीं है एक जुमला भी नबी के खिलाफ बोलकर चला जाए। मैं पीर भी नहीं कहता, मैं मुर्शिद भी नहीं कहता, मैं जानता हूं कि हकीम सियाउद्दीन साहब मुर्शिद नहीं है, खिलाफत नहीं है, इस्लाहत नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं एक मोमिन है, एक मुसलमान है, एक नमाजी है, एक कर्मकर्ता है, नबी का आशिक है, वलियों के मुतअल्लिक है, अहले सुन्नत के जमात का रुका कीदा है, इस्लाम से काबिल है, और जिंदा जो मोमिन का दुरुस्त होता है, अगर क्या बात उसके कम में कमी होती है अमाल में तो अमाल की इस्लाह की जाए। अकीदा दुरुस्त है, अगर कोई अमल कम किया, गुनहगार हुआ, गुनाहों की सजा उसे मिलेगी, तौबा भी करना पड़ेगा, फिर अगर जो फराइज है वो छोड़ा है उसकी कजा भी है, कजा भी कर दो, फराइज को छोड़ दिया है तौबा भी करना पड़ेगा, उसकी कजा भी करनी पड़ेगी, तौबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला गफूर भी है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है, बंदों की पर्दा पोशी करता है, बंदों को बख्शता है, बंदों पर मेहरबानी करता है, बंदों पर रहम करता है, रहम करम की बारिश फरमाता है, जब अपने दामन रहमत में वो लेना चाहेगा तो अल्लाह फरमाएगा चेहरा भी नूरानी होगा, आवाज भी नूरानी होगी, बंदों का नमाजी होगा, रोजे का पाबंद होगा, नमाजों का पाबंद होगा, सुन्नत मुस्तफा का पाबंद होगा, दीवाना होगा खाजा का चेहरा। इस्लाम जरूरी है, ऐसा नहीं कि आदमी अंधाधुंध जिधर की हवा हो गरीब बह करके चला जाए, अच्छी बात है, इस्लाह जरूरी है, आपकी भी इस्लाह जरूरी है, उलमा की भी इस्लाह जरूरी। लोग कहते हैं हजरत आप लोग जो बात करते हैं उसका असर नहीं होता, पहले बुजुर्गों ने जो बात कही उन बातों में इतना असर कि बैठ लोग अपने कपड़ों को फाड़ देते थे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बयान फरमाते थे, आपके पास की मस्जिद से जब सजती थी तो किताबों में लिखा है 70-70 हजार का मजमा, 1-1 लाख तक का मजमा होता था। गौसे पाक अल्लाह अकबर मेरा लाउड स्पीकर के बोलते थे और सब तक बराबर आवाज पहुंचती थी, बोलो सुभान अल्लाह, ये हमारे गौसे पाक की आवाज है। आपकी तकरीर का हाल ये है, बड़े बड़े उलमा सूफिया मशायख अब्बास अवतार नोदबा नोखबा गौस सब आपकी मजलिस में
करने के हिसाब से सब कुछ बदल गया, सब हर चीज डुप्लीकेट है, आदमी भी डुप्लीकेट है। मार्केट में जाओ, कौन ऐसी चीज है जिसका डुप्लीकेट नहीं, वीर भी डुप्लीकेट है, वीर भी डुप्लीकेट है। ऐसा नहीं कि सब वीर सही है, ये भी डुप्लीकेट है, मोदी भी डुप्लीकेट। और आजकल हाल ये है, हमारे इलाके में एक मौलाना है, उनको बाजाबते कहते हैं कि दाल डुप्लीकेट, बाल डुप्लीकेट और पूरा का पूरा माल डुप्लीकेट। माल डुप्लीकेट मिलता है, सब डुप्लीकेट। हजरात ऐसे ही वीर भी डुप्लीकेट, लेकिन जो सही वीर है उनका दामन जरूर थाम लेना, जो सही वीर है उनका दामन न छोड़ना, जो तुम्हें मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचाए उसका दामन न छोड़ना, जो तुम्हें भाव की मोहब्बत अता करे उसका दामन न छोड़ना, जो ख्वाजा के दरबार में तुमको पहुंचाए उसका दामन न छोड़ना। पकड़ लिया तो निजात हो गई, वीर पकड़ लिया तो बख्शीश हो गई। अरे वीर पकड़ो इस नियत के हमारे ईमान की हिफाजत हो जाए, हमारे अकीदे की सलाह हो जाए, हमारे अमल की सलाह हो जाए। हम नमाज नहीं पढ़ते तो नमाजी हो जाए, हम रोजा नहीं पकड़ते तो रोजेदार हो जाए, हम हज नहीं करते तो हज वाले हो जाए, हम सकात नहीं अदा करते वाले बन जाए, हम नेक काम नहीं करते ऐसे पीर का दामन पकड़ने कि हम नेक कामों में लग जाए। मिलाद से दूर थे, ऐसे पीर का दामन पकड़ा कि मिलाद करने वाले बन गए, दुरूद पढ़ने वाले बन गए, वजीफा करने वाले बन गए, सलाम करने वाले बन गए, फातिहा करने वाले बन गए, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले बन गए। ऐसे पीर का दामन पकड़ना आज अगर बेकीमत हो, बेकीमत हो, बेवकात हो, बेइज्जत हो, कोई इज्जत नहीं है, कोई शान शौकत नहीं है, कोई दौलत नहीं है, गुरबत है, इफलास, कोई कदर कीमत नहीं है, पीर का दामन जैसे थामोगे कीमत तुम्हारी बढ़ जाए, इज्जत बढ़ जाएगी, शान शौकत बढ़ जाएगी, रिफत बढ़ जाएगी, बरकत बढ़ जाएगी, रहमत बढ़ जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी, दौलत बढ़ जाएगी। हजरात मैं ऐसे नहीं कहता, अरे मियां सुबह शाम आप देखते हो आपके दरवाजे पर नल है, प्यास लगी, आपने जाकर एक गिलास पानी चलाकर पी लिया, बोलो पैसा लगा, रास्ता चल रहे हो, रास्ते में प्यास लगी, किसी के नल पर दो चार लोटा पानी पी लीजिए, वक्त आए तो वजू भी कर लीजिए, नहा लीजिए, कोई आपको पैसा नहीं मांगेगा, एक पैसा कीमत उस पानी का नहीं है, लेकिन वही पानी जब ग्वाला दूध में मिला देता है तो 20 रुपया लीटर बिकने लगता है। ग्वाला जब पानी को दूध में मिला दिया, पानी दूध से मिल गया, पानी बेकीमत, दूध कीमत, बाकीमत, बेकीमत, बाकीमत के साथ हो गया, तो बेकीमत की बाकीमत हो गया, पानी भी कीमती हो गया, पानी भी 20 रुपया लीटर बिकने लगा। जब दूध के साथ मिल गया था, बोलो मेरे कहने से ही ना समझ लेना उल्टा की मौलाना साहब ने एक मसला बता दिया कि अब दूध में पानी मिलाकर बेचो,
कुछ लोगों की खोपड़ी उल्टी होती है, समझ उल्टी होती है, पैदाइश उल्टी होती है, वो उल्टा ही समझ लेते हैं। मैंने एक मिसाल दिया, ग्वाला लोग लाते हैं पानी, मैंने तकरीर में कही है तो इसको जायज ना समझ लेना, और वो खुद दूध में पानी मिलाना मत शुरू करना। जो दूध में पानी मिलाता है दुनिया में भी खसारे में रहेगा, दुनिया में उसकी भैंस मरती है तो चिल्लाता है मौलाना साहब। एक पहाड़ी लाए थे वो भी मर गई, भैंसियों मर गई, जो दूध देने वाली थी वो मर गई। तो मौलाना साहब मालूम हो रहा है कोई आते है, कोई जिन है, कोई कर्तव्य है, इसलिए कई कई जानवर मर गए। समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा कि ना तुम आसेफ के तरफ अपना ध्यान को लौड़ा था, कर्तव्य की जानी तुम्हारा ध्यान चला गया। ये पड़ोसी दुश्मन हो सकता है, कर्तव्य करा दिया भैंस मर गई, लेकिन तुम्हारा ख्याल उधर नहीं गया। हम दूध में जो पानी मिलाते हैं ये जायज है कि ना जायज, ये गलत है कि सही। पैसा दूध का देते हैं और पानी देते हैं, जब तुमने गलत काम किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत गलत करने वालों को कई दिन बख्शेगा, नाजायज करने वालों को कितने दिन की छूट रहेगी। एक दिन देखा, दो दिन देखा, चार दिन देखा, तुम नहीं समझे, तुम नहीं समझे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें एक वार्निंग दिया, आज तो तेरी भैंस मर गई है, कल तू मर जाएगा। गलत काम से बचो, अच्छा काम करो, दूध में पानी ना मिलाना, नाजायज काम ना करना, कम ना तौलना, झूठ ना बोलना, सच्ची बात बोलना, अच्छी बात बोलना। मैं अर्ज ये कर रहा था मुसलमानों, जब पानी में कीमत था, दूध के साथ मिलाया तो कीमती हो गया। तुम्हारी में कीमत है, किसी कब्र में भी और आखरत में भी। आला हजरत सरकार बरेली के साजदार इमाम इश्क मोहब्बत सरकारी आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेली, बरेली की सरजमीन से इरशाद फरमाते हैं, इस निशानी के जो शक हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो शक हैं नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे पक्का घेरा, दुनिया में भी महफूज। बोलो मोहब्बत से आज मुरझाए मुरझाओ नहीं, गौसे आजम का करम हो जाएगा, खिल उठो। यही तो और सुनी करता है, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा रंग की बेकली गौसे आजम, मिट जाएगी ये कली, ये दिल खिल जाएगा, फूल से ज्यादा खिलेगा, फूल से ज्यादा खुशबूदार होगा। गौसे आजम की मोहब्बत दिल में बसाओ और नाज करो, दख करो, ये भी एक निस्बत है, निस्बत से शौक मुमताज होती है। अदना की निस्बत आला से हो जाए तो अदना भी आला हो जाता है, निस्बत से शौक मुमताज होती है। जब कादरी हो गए, रजवी हो गए, चिश्ती हो गए, बरकाती हो गए, अशरफी हो गए, अब रबाब क्या है, नाच करो मुसलमानो, किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहर की हुकूमत मिली है, तुम अपने मुकद्दर से कुर्बान जाओ। अस्ताने गौस मिल गया, अपने मुकद्दर से नाच करो,
लोग नाज करते हैं दौलत, कोई नाज करता है इज्जत पर, कोई नाज करता है सामने शौकत पर, कोई नाज करता है अपनी हुकूमत पर, कोई नाज करता है अपनी दौलत पर, कोई नाज करता है अपने रियाल पर, कोई अपने डॉलर पर। लेकिन सुन्नी को नाज है तो नबी की आल पर नाज है, सऊदीया के रियाल पर नहीं, नबी की आल पर नाज है। हमको हमें गरीब नवाज अता फरमाया है, ये तुम्हारी अमीरी तुमको मुबारक हो, इसलिए कि तुम अमीर हो, लेकिन तुम्हारा अमीर नवाज कोई नहीं है। हम गरीब जरूर है लेकिन हमारा गरीब नवाज, हमारा गरीब नवाज। अब दुनिया में चिश्ती है और मरने के बाद अहिश्ती है, बोलो और मतलब के परिश्ती है। हम गरीब हैं लेकिन हमारा गरीब नवाज अजमेर में मौजूद है, गरीब नवाजी कर रहा है। हम मायूस न हो, हमारा गौस है, हमें आस्ताना मिला है तो गौस का आस्ताना मिला है। इस निशानी के जो सग है नहीं मारेगा, किस निशानी के जिस जिस कुत्ते के गले में पट्टा लगा होता है, बेल्ट लगा होता है, ये बेल्ट एक निशानी है, ये आम कुत्ता नहीं है, ये खास कुत्ता है। आम कुत्ता होता तो गले में पट्टा ना होता, गले में बेल्ट नहीं होती, मालूम होता ये खास कुत्ता है। तो जब खास होता है तो लोग उसको छेड़ते नहीं, अगर छेड़ोगे ये डीएम साहब का कुत्ता होगा मुकदमा बड़ा सख्त होगा, एसपी साहब का होगा मुकदमा बड़ा सख्त होगा, दारोगा का होगा।